हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। वैसे तो ट्विंस प्रेगनेंसी में चक्कर आना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको चक्कर आते क्यों हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली तिमाही में। तो क्या होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस एंड महक लगना, कुछ खाने का मन ना करना और जी मिचलाना, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप अच्छे से बिल्कुल भी कुछ भी खा नहीं पाती हैं। तो आपका जो बीपी होता है वो एकदम से लो हो जाता है एंड उसके बाद में जो आपके ब्लड शुगर का लेवल होता है वो भी गिर जाता है। तो इसलिए आपको पहली तिमाही में चक्कर आते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही ट्विंस प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही लगती है तो क्या होता है कि आपके गर्भाशय का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और वो जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं उन पर दबाव डालना स्टार्ट कर देता है। तो आप अगर दूसरी और तीसरी तिमाही में बिल्कुल सीधे लेटने की कोशिश करती हैं तो अगर आप उठती हैं तो आपको एकदम से चक्कर आ सकते हैं। तो आप दूसरी और तीसरी तिमाही में बिल्कुल भी सीधे लेटने की कोशिश ना करें। आप जब भी लेटे तो बाएं करवट पर ही लेटे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप लेटने के बाद में एकदम से खड़ी होती हैं तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एकदम से खड़ी होती हैं तो जो ब्लड होता है वो आपके मस्तिष्क तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं, जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोला जाता है। और अगर आप बहुत लंबे समय तक लेटी रहती हैं तब भी आपको चक्कर बिल्कुल आ सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम बात करें तो 10 महिलाओं में से एक महिला के साथ ऐसा होता है जिसको लो ब्लड प्रेशर की वजह से ही चक्कर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ भी टाइम से खाती नहीं, मतलब अगर आप सुबह का जो नाश्ता है वो दोपहर में कर रही हैं या फिर दोपहर का शाम को कर रही हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो एकदम से कम होने लगता है और स्पेशली दोपहर के बाद में, जिस वजह से भी आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी में आयरन का लेवल कम हो रहा है, मतलब अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, तो इस वजह से भी आपको बिल्कुल चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का जो लेवल होता है वो अपने आप ही गिर जाता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो इस वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में तकरीबन 75% महिलाएं ऐसी होती हैं जो चक्कर आने की समस्या से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, बट ये एक बहुत ही नॉर्मल समस्या होती है। अब हम बात करते हैं कि आप इस समस्या से कैसे राहत पा सकती हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आखिर आपको चक्कर आ क्यों रहे हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं, आप किसी भी कंडीशन में हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको तुरंत ही वो काम बंद करके वहीं पे बैठ जाना है एंड उसके बाद में आप अपना सर जो है वो नीचे करके और आंखों को थोड़ी देर बंद करके बैठ जाएं। इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और दूसरी बात, आप कहीं भी बैठी हैं या फिर लेटी हैं तो आप एकदम से खड़ी ना हो, बल्कि आप पहले धीरे से बैठे एंड उसके बाद में ही खड़ी हो। और अगर आपको उठते और लेटे समय चक्कर आ रहे हैं तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके बेबी होते हैं उनके द्वारा जो आपके दाएं तरफ की जो बड़ी नस होती है, जिसको इन्फीरियर वीना कावा बोला जाता है, तो इस नस पर दबाव पड़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। ये जो नस होती है वो आपके निचले अंगों से ब्लड को प्राप्त करती है। तो आप क्या करें कि आप तुरंत ही बाएं करवट की तरफ लेके लेट जाएं। ऐसा करने से जो आपका हृदय होगा वो आसानी से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देता है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स जरूर मिलेगा। अगर आपने 1 से 2 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है और इस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत ही जो है कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स लें एंड उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा पानी लें, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और एक बात और आपको क्लियर कर दें कि आपको पूरी प्रेगनेंसी कभी भी चक्कर आ सकते हैं और इसका कोई विशेष इलाज नहीं होता है। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है। ये आपके लिए घातक इसलिए हो सकता है कि कभी कभी आपको चक्कर आने से बेहोशी भी हो सकती है। अगर आपको चक्कर के साथ बेहोशी ऐसा फील हो रहा है तो आप तुरंत ही बाएं करवट पर लेट जाएं एंड आप बैठकर अपने सर को नीचे कर ले घुटनों में। इससे क्या होगा, आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा, इससे आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स जरूर मिलेगा बेहोशी की हालत से। एंड उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको चक्कर बहुत जल्दी जल्दी एंड बार बार आ रहे हैं और आपकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, आपके पेट में भी दर्द हो रहा है एंड आपको धक
गंदगी सी फील हो रही है, आपके सर में भी दर्द हो रहा है, आप बेहोश भी हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपका जी मिचला रहा है। और इसके अलावा अगर आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं एंड आप बहुत बहुत गहरी सांस लेती हैं तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको भूख की वजह से या फिर गर्मी की वजह से या जी मचलाने की वजह से या फिर एकदम से झटके से खड़े होने की वजह से चक्कर आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। एंड इसके अलावा आप नारियल पानी, नींबू पानी, सिकंजी, आप ज्यादा से ज्यादा जूस पिए, आप फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें एंड आप एक हेल्दी डाइट फॉलो जरूर करें जिसमें आप हरी सब्जियां एंड दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इसके अलावा आप खाने में सलाद और दही को भी शामिल करें, इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेरे साथ भी ऐसा होता था और डिलीवरी के बाद में अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।